गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लेवल वन क्लास नाइन्थ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर यूनिट नंबर वन कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में इंट्रोडक्शन में कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स आर दो स्किल्स विच आर नीडेड टू स्पीक एंड राइट प्रॉपरली। कम्युनिकेशन स्किल्स संचार का जो कौशल है वो कौशल होता है जो बोलने और लिखने प्रॉपर तरीके से बोलने और लिखने के लिए आवश्यक होता है। ए पर्सन हु इज एबल टू स्पीक एप्रोप्रिएटली वाइल मेंटेनिंग आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस यूजेस वेरिड वोकैबुलरी एंड आर्टिकुलेट स्पीच टू सूट द नीड्स ऑफ ऑडियंस इज जनरली सेड टू बी इफेक्टिव स्पीकर। मतलब वह व्यक्ति जो एक उपयुक्त तरीके से बोलने में सक्षम होता है और जब किसी से बात कर रहा है और एक प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट बना के रखता है, एक नज़र बना के रखता है अपने ऑडियंस के साथ या फिर जिस पर्सन के साथ, जिस अकेले पर्सन के साथ या मोर देन वन पर्सन के साथ जब बातचीत कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट नज़र बना के रखता है और उसका जो उच्चारण है बिल्कुल क्लियर होता है, क्लियर भाषा में होता है, तो वो एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली स्पीकर होने वाली वैल्यू होती है। इस तरह से उसको हम इफेक्टिव स्पीकर बोल सकते हैं कि वो अच्छी तरह से अपनी बात को ऑडियंस को या अदर पर्सन को अच्छी तरह से समझा पाता है। सिमिलरली एन इफेक्टिव राइटर शुड बी एबल टू यूज रिटन वर्ड्स इन वेरियस स्टाइल्स एंड टेक्निक्स टू कम्युनिकेट हिज और हर मैसेज एंड हर आइडिया टू रीडर। इसी तरह एक इफेक्टिव, एक प्रभावशाली लेखक जो है वह तभी अच्छी तरह से सही शब्द लिख पाएगा, अलग अलग स्टाइल में अलग अलग तरीके से सही शब्द अगर वो लिखता है और उसके लिखे हुए शब्द दूसरे पर्सन को आसानी से इजीली वो समझ पाता है और अपने मैसेज को जो वो बताना चाहता है अपने लेखन के द्वारा वो दूसरे उसको समझ पाते हैं, तो वो एक लेखक, प्रभावशाली लेखक माना जाएगा, इफेक्टिव लेखक माना जाएगा, इफेक्टिव रीडर माना जाएगा। वो हर एक पर्सन उस लेखक के जो लेख है, आर्टिकल है, उनको पढ़ना चाहेंगे। वन शुड हैव द एबिलिटी टू लिसन केयरफुली एंड राइट एंड स्पीक क्लियरली इन ए सिचुएशन। हर एक को चाहिए कि वो जब भी कोई किसी पर्सन से बात कर रहा है तो एक साफ तरीके से बात करना चाहिए, प्रॉपर वे में बात करनी चाहिए और अगर आप उसकी बातों को सुन रहे हो तो अच्छी तरीके से, एक सही तरीके से सुनना चाहिए, प्रॉपर वे में सुनना चाहिए और उसको बोलना चाहिए भी हाँ, अपने सिर को हिलाना चाहिए, आप मुझे आपकी बात समझ आ रही है, इस तरह से उसको रिप्लाई देना चाहिए। और अगर आप कॉपी में लिख रहे हो तो कॉपी में साफ तरीके से लिखना चाहिए, आपकी जो राइटिंग है वो साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि जो अदर पर्सन है उसको पढ़े तो आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा वो आप को समझ पाए कि आपने लिखा हुआ है क्या, उसका मीनिंग है क्या, अर्थ है। देयरफॉर गुड रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग स्किल्स आर एसेंशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक अच्छा जो पढ़ने वाला है, अच्छा लिखने वाला, अच्छा बोलने वाला और अच्छा सुनने वाला, अगर इस तरह का कौशल अगर किसी व्यक्ति में आ जाए तो उसको हम एक प्रभावशाली संचार वाला व्यक्ति कह सकते हैं। एज ए स्टूडेंट यू मे स्टडी एनी लैंग्वेज। एक विद्यार्थी के रूप में आप काफ़ी सारी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, काफ़ी सारी भाषा को सीख सकते हैं, काफ़ी अलग अलग भाषा को सीख सकते हैं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट यू आर एबल टू रीड, राइट और स्पीक एंड लिसन वेल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट प्रॉपरली। लेकिन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अच्छी तरह से बोल पाओ, लिख पाओ, सुन पाओ ताकि आप किसी अदर पर्सन से अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओ, अच्छी तरह से उसे बातचीत कर सको, उसकी बात को समझ पाओ। स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प यू कम्युनिकेट वेल विद पीपल अराउंड द वर्ल्ड। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा भाषा आती है तो आप संसार में किसी भी जगह चले जाओ, आप उनकी भाषा को आप समझ सकते हो। लर्निंग इंग्लिश कैन हेल्प यू कम्युनिकेट पीपल हु अंडरस्टैंड इंग्लिश बिसाइड द लैंग्वेज यू हैव बीन एक्सपोज टू स्पीकिंग द लैंग्वेज फ्रॉम इजली चाइल्डहुड।
जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज होती है, इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, इंग्लिश भाषा आती है, संसार के किसी भी कोने में चले जाओ, अभी इस भाषा का प्रयोग करके उससे आप कम्युनिकेट कर पाओगे, कम्युनिकेट कर सकते हो। उदाहरण के लिए, योर मदर टंग इन द प्रेजेंट टाइम थ्रू नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज विथ कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी ऑक्यूपेशन और टू सेटअप ए बिजनेस। अगर आप जहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, तभी आप वहाँ के जो पर्सन हैं, व्यक्ति, उनसे अच्छी तरह से कम्युनिकेट कर पाओगे, उनसे बातचीत कर पाओगे, उनकी समस्याओं को समझ पाओगे और अपनी बात उनके सामने रख पाओगे। ठीक है, बाकी आगे सेशन नंबर 1 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।